हरियाणा के रोहतक में तेजी से फैल रही वैक्सीन खत्म होने की अफवाह के बाद डॉक्टर मीडिया के सामने आई है और डॉक्टरों के अनुसार जिले में पर्याप्त वैक्सीन है। सीएमओ डॉक्टर अनिल बिरला के अनुसार कोविशील्ड की 22,000 और वैक्सीन की 3,000 डोज बाकी है। यही नहीं, अभी तक 82,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। डॉक्टर ने वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को सलाह दी है कि सुविधा रहित केंद्र पर ही वैक्सीन लगवाएं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के रोहतक में ही नहीं देश के कई राज्यों में वैक्सीन खत्म होने की अफवाह फैलाई गई थी, जिसके बाद लोगों में वैक्सीन लगवाने की चिंता हो गई। इसी को लेकर डॉक्टर मीडिया के सामने आए और डॉक्टरों के अनुसार जिले में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मौजूद है। डॉक्टरों ने यह भी दावा किया कि अभी तक 82,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जबकि 22,000 कोविशील्ड और 3,000 कोवैक्सीन स्टॉक में है। वहीं दूसरी ओर सीएमओ डॉक्टर अनिल बिरला ने बताया कि जिले में पर्याप्त वैक्सीन मौजूद है। उन्होंने लोगों से अपील की, जगह जगह वैक्सीन लगाई जा रही है और सुविधा रहित केंद्रों पर वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि कोई अप्रिय घटना हो तो कंट्रोल किया जा सके। देखो, रोहतक डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो हमारे पास वैक्सीन की कोई भी कमी नहीं है। रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के दोनों अवेलेबल हैं। कोविशील्ड की हमारे पास 22,000 के आसपास हमारे पास डोज अवेलेबल है और कोवैक्सीन की हमारे पास 3,000 वैक्सीन की डोज अवेलेबल है। अगर मैं लोगों से अपील करता हूँ कि जो भी 45 साल से ऊपर हैं वो वैक्सीनेशन के लिए आए और दोनों के दोनों वैक्सीन हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के दोनों सेफ हैं, और जब तक हम इस वैक्सीनेशन को पूरे जो जितनी भी कैटेगरी हैं हमारे, जब तक वैक्सीनेशन नहीं कराएं जब तक हम इस महामारी को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नहीं, स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत आई थी, लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन अब तो काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं आपको पहले कहना हूँ कि जो वैक्सीन से बिल्कुल सेफ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब तक 82,000 लोगों को हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं और किसी के अंदर भी ऐसा कोई एडवर्स रिएक्शन नोटिस नहीं किया गया है। दोनों के दोनों वैक्सीन सेफ हैं, तो अपील यही करता हूँ कि आगे आएँ और अपनी वैक्सीनेशन करवाएँ ताकि हम महामारी को कंट्रोल कर सकें। वहीं दूसरी ओर वैक्सीन लगवानी एक महिला ने कहा, वैक्सीन लगवाने से कोई नुकसान नहीं है और सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। वहीं देखिए आगे महिला ने क्या कुछ कहा। जी बताइए, क्या करना है? किसी वैक्सीन लगवाने हैं। क्यों जरूरत पड़ी? काफी लोग मना कर रहे हैं। ये अपनी सेफ्टी है, इसमें तो कोई किसी का वो है नहीं, और ये लोग तो खैर मना कर ही लेकिन कोई वो नहीं हुआ, हमें कोई फील नहीं हुआ। तो यहाँ आए क्या क्या प्रक्रिया है? ये वो आधार कार्ड लिए है और उसका नाम वगैरह लिया है, फोन नंबर लिया है और बाकी कोई वो नहीं। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। वैक्सीन तुरंत लगा दिया? हाँ जी, तुरंत लगा दिया। और को क्या करना चाहिए? और कोई सभी लगवाएं, सभी की सेफ्टी है। गौरतलब है जिले में वैक्सीन खत्म होने की अफवाह कई दिनों से फैल रही है, जिसके बाद ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने आ रही है। इस बार भी वैक्सीन लगवाने की दौड़ में बुजुर्ग सबसे आगे है। बुजुर्ग वैक्सीन लगवाने के लिए युवाओं से आगे हैं और बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है।